नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। मानसून जमकर बरस रहा था। आर्यावर्त में खेत खलिहान लबालब पानी से भरे हुए थे। हस्तिनापुर में भी बाढ़ और बारिश का माहौल था। खुशी इस बात की थी कि रियाया रोपाई में लगी थी और डंकापति कटाई में लगे थे और डंकापति के चेले बहाने में लगे थे। इसी तर माहौल में धृतराष्ट्र ने आज दरबार में हाजिरी दी थी। संजय मय दरबारी चैतन्य अवस्था में समकोण बनाकर बैठे थे। बाहर बरसात की झड़ी लगी हुई थी। अंदर दरबार में भुट्टे चाय और पकौड़े की आमद रफ्त बनी हुई थी। सिलसिला टूट नहीं रहा था। इसी गहमागहमी के माहौल में धृतराष्ट्र की फरमाइश आई, आज तो काली बदरी घिरी हुई है, इस माहौल में कुछ कथा कहानी हो जाए। संजय और तनकर बैठ गए। दरबार बहुत दिनों बाद लगा था, इसलिए उनके पिटारे के भीतर बहुत सारी कथा कहानियां कूद फांद मचा रही थी। धृतराष्ट्र ने कहा, थोड़ा आर्यावर्त के बारे में बताओ, बहुत दिनों से कोई खबर नहीं आ रही। संजय के मुंह से बेसाख्ता निकला, मत पूछो महाराज, यह दिन अमृतकाल में ही देखना था। डंकापति का एक समर्पित सिपाही रियाया के मुंह पर इस्तिंजा करने लगा। संजय की इस छटी हुई उर्दू को धृतराष्ट्र पकड़ नहीं पाए, बोले, यह क्या बोला? तब संजय ने कहा, महाराज, डंकापति का एक समर्पित सिपाही अब रियाया के मुंह पर पेशाब कर रहा है। सभा में कोलाहल मच गया, खुसर फुसर शुरू हो गई। धृतराष्ट्र भी अचकचा गए। सबकी बेचैनी का अंदाजा लगाकर संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। धृतराष्ट्र इस जहालत भरे तमाशे पर गुस्से और अविश्वास से खलबलाने लगे। उन्होंने पूछा, यह सब अमृतकाल में हुआ? संजय ने जवाब दिया, अब उस अमृतकाल को याद करने का कोई मतलब नहीं बचा महाराज। उस अमृतकाल की अकाल मौत हो चुकी है, जैसे 1500 के नोटों की अकाल मौत हुई थी। उसी तरह अमृतकाल की भी अकाल मौत की घोषणा डंकापति ने कर दी है। आजादी का यह अमृतकाल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। बहुत थोड़े समय के अंतराल में धृतराष्ट्र के ऊपर अविश्वास का यह दूसरा बम गिरा था, लिहाजा वो बेचैन और आक्रामक दिखने लगे। अभी तो अमृतकाल अपनी जवानी की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा था। संजय ने कहा, बिल्कुल महाराज, अभी तो अमृतकाल को बहुत कुछ देखना बाकी था। लेकिन डंकापति ने बताया कि रियाया का दिमाग अमृत के चक्कर में सटक गया था। वैसे भी रियाया को अमृत पिलाकर क्या ही हासिल होगा? ज्यादा अमृत पीकर जो जनता अमर हुई तो मेरे ही सिर पर नाचेगी। सो डंकापति ने अमृतकाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अगले 25 सालों तक कर्तव्य काल की घोषणा कर दी। इसके तहत अब रियाया के कर्तव्य पहली प्राथमिकता होंगे। जनता के डिलीवरेबल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेने की बात तो 70 साल से हो रही है, अब बात होगी कि जनता देगी क्या। अमृत तो बहुत पी लिया। जनता के साथ हुई इस नाइंसाफी पर धृतराष्ट्र को कोफ्त हुई। उनके मन में डंकापति को लेकर विचार उत्पन्न हुए, पर कर्तव्य के दबाव में उन्होंने सारे विचारों को दबा लिया। दरअसल रियाया के मुंह पर पेशाब करने वाली घटना उनके दिमाग की चक्की को पीसे जा रही थी। उन्होंने संजय से इस घटना की तफसील जाननी चाही। तब संजय ने बताना शुरू किया, पेशाबी शुक्ला। महाराज, पेशाबी शुक्ला नाम है डंकापति के उस कर्तव्य परायण सिपाही का। साल भर पहले पेशाबी शुक्ला रात में कजरारी लैला अथवा बंटी बबली से सजधज कर आए और दसमत रावत के मुंह पर फारिग होकर चले गए। धृतराष्ट्र क्रोध से बिलबिलाने लगे, कोई तो वजह रही होगी इस अमानुष कृत्य की। संजय ने कहा, बस महाराज, उसी वजह की खोज जारी है, वजह मिलते ही आपको बता दिया जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, पर डंकापति और उनके शागिर्दों ने इस पर कुछ नहीं किया? संजय ने कहा, महाराज, बहुत कुछ किया। डंकापति के खास हैं मध्य देश के मामा जी, उन्होंने मुंह पर की गई पेशाब को पैर धोकर स्वच्छ कर दिया।
धृतराष्ट्र को चैन नहीं मिला। उन्होंने पूछा, पेशाबी शुक्ला का क्या हुआ? संजय ने कहा, उसे जेल भेज दिया गया है। मामा जी की पुलिस साल भर से इंतजार में थी कि वीडियो वायरल हो तो वह पेशाबी शुक्ला को गिरफ्तार करे, लेकिन वीडियो वायरल हो ही नहीं रहा था। पुलिस ने भी अपनी तरफ से ठीक ठाक कोशिश की कि वीडियो वायरल हो जाए। इस बाबत उसने पेशाबी शुक्ला के घर वालों से कुछ दिन पहले एक शिकायत भी दर्ज करवाई कि एक वीडियो संदर्भित है जिसके कारण पेशाबी शुक्ला लापता हैं, अतः उक्त वीडियो को वायरल करने वाले बाजाएं यह हथकंडा काम नहीं आया। तब पेशाबी शुक्ला के परिजनों ने नया हथकंडा अपनाया। उन्होंने पेशाब कांड के पीड़ितों से ही एक हलफनामे पर दस्तखत करवा लिया और कहा कि न तो वीडियो में उनके मुंह पर पेशाब किया जा रहा है और न मूतने वाले पेशाबी शुक्ला हैं। पुलिस के इन तमाम प्रयासों से वीडियो वायरलत्व को प्राप्त हुआ और उसी रात पेशाबी शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय का इकबाल बुलंद किया। इतने समदर्शी न्याय में यकीन रखते हैं मामा जी और उनकी पुलिस। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मुंह से मामा जी के लिए अमृत वचन फूटने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें याद आया, अमृतकाल समाप्त हो चुका है, कर्तव्य काल चल रहा है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। धृतराष्ट्र इस लोमहर्षक घटना से अपना मन मोड़ना चाहते थे। उन्होंने संजय से कहा, आजकल तो खूब बारिश हो रही है, चारों तरफ सुखदाई हरियाली छाई है, आर्यावर्त की बात बताओ। संजय ने कहा, कर्तव्य काल में डंकापति एक के बाद एक कर्तव्यों को पूरा करते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र में एक और कर्तव्य पूरा किया है। अब मराठा क्षत्रप की पार्टी डंकापति की पार्टी में सहोदर बन गई है। चाचा शरद पवार के साथ बगावत करते हुए अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 30 विधायक हैं। संजय जारी रहे, दरअसल डंकापति इस कर्तव्य को लंबे अरसे से पूरा करना चाहते थे। अपने कर्तव्य के पहले चरण में उन्होंने ये कहा, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। और इस कर्तव्य के ठीक 8 दिन बाद उन्होंने कर्तव्य परायण होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। संजय जारी थे, जिनको जेल भेजना था उनको संविधान की शपथ दिलाकर डंकापति ने एक साथ कई सारे कर्तव्य निभाए हैं। पहले देवेंद्र कहते थे, त्रांचो सरकार आल्यानंतर अजीत दादा चक्की पीसिंग 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 एंड पीसिंग। इस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग के चक्कर में जनता का पैसा और सार्वजनिक संसाधन सब बर्बाद होते। जेल में रखना, हर रोज खिलाना पिलाना, अदालतों का समय बर्बाद करना, इन सब से बेहतर था कि अजीत बाबू को संविधान की शपथ दिलवा दी जाए। इससे बड़ा राष्ट्रहित का कोई कर्तव्य हो सकता है महाराज? धृतराष्ट्र को संजय की यह जबरन की हुंकारी पसंद नहीं आई। न हां किया न ना, बस पूरी बहस को नई दिशा में धकेल दिया। संजय, इतना सब खरमंडल मचा है, डंकापति क्या कर रहे हैं? संजय ने कहा, ऐसा लगता है महाराज कि डंकापति के ग्रह नक्षत्रों में कोई अपशकुन घुस गया है। आगे आगे उद्घाटन करते हैं, पीछे पीछे सारे पुलिया और रोड ध्वस्त होते जाते हैं। ये पुल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो भागलपुर की दूसरे जिलों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है।
कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है उसमें जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ। वर्तमान में सड़क के रास्ते कश्मीर पहुंचने के लिए जवाहर सुरंग से होकर आना पड़ता है, जो सर्दियों में लैंडस्लाइड्स और हिमपात की वजह से हफ्तों बंद रहता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित हो रही जम्मू श्रीनगर NH44 पर बनी बनिहाल काजीकुंड टनल इस समस्या का स्थायी समाधान है। धृतराष्ट्र ने पूछा, यह सब कैसे हो रहा है? संजय ने कहा, कुछ प्रकृति का प्रकोप, कुछ ठेकेदारी की महिमा और कुछ डंकापति का उद्घाटन प्रेम महाराज। डंकापति के राज में ठेकेदारों की तो बम ही हो रखी है। आज सड़क बनती है, कल खोद दी जाती है, ऊपर से डंकापति का उद्घाटन प्रेम। आलम यह है कि हर पखवाड़े एक इवेंट डंकापति के उद्घाटन के लिए तय होता है और जब चुनाव नजदीक आता है तब उद्घाटन की यह फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यह साप्ताहिक मामला बन जाता है। जिस तेजी से डंकापति उद्घाटन करते हैं उस तेजी से प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। ठेकेदार अधकचरा काम पूरा करके निकल जाते हैं। आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन डंकापति कर देते हैं, इसकी कीमत चुकाते हैं ये प्रोजेक्ट। डंकापति के उद्घाटन प्रेम और पेशाबी शुक्ला की कहानी ने धृतराष्ट्र को आज अंदर से हिलाकर रख दिया था। ऊपर से राष्ट्र के भीतर एक महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र के भीतर जो महाषड्यंत्र रचे जा रहे हैं उससे धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई। इसी उधेड़बुन में वो उठे और सभा बर्खास्त हो गई। धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। कातिल के साथ मिलकर रूबिका लियाकत जी ने कातिलाना पारी शुरू की है। चैनल का नाम है भारत 24 और शो का नाम है दहाड़। रूबिका लियाकत जी, आप कहाँ हैं? आप जल्दी वापस आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नमस्कार रूबिका जी, वी आर वेटिंग टू सी यू ऑन स्क्रीन। आपकी बेइंतहा मोहब्बत और विश्वास सर आंखों पर। तारीख नोट कर लीजिए, 3 जुलाई आ रही हूँ भारत 24 पर। बड़े जतन और माथापच्ची के बाद इस शो का यह ऐतिहासिक नाम तय हुआ है। सोशल मीडिया पर बाकायदा अभियान चलाया गया, निविदा जारी कर लोगों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई, उसके बाद यह नाम सामने आया। ये वो महान लोग हैं जो करोड़ों रुपए की सैलरी का पैकेज उठाएंगे और अपने नाम के साथ पत्रकार होने का सुख भी उठाएंगे और एक शो का एक मौलिक नाम तक सोच पाने में इनका हाथ पैर फूल जाता है। इसके लिए ट्विटर पर निविदा आमंत्रित की जाती है और जो नाम तय हुआ वह नाम है दहाड़। दहाड़ ये वाली नहीं। सिर्फ जबान चलाएंगे। खबरदार, अब बहुत हो गया। इलिया शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी। मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन किसी और ने नहीं, कहा है राज्यपाल? कहा है राज्यपाल? शो क्यों नहीं किया? राज्यपाल कहाँ है? तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ। दहाड़ ये वाली। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? इससे पहले तिहाड़ शिरोमणि ने भी इसी तर्ज पर कुछ किया था। आज तक पर मेरे नए शो का नाम क्या होना चाहिए, कोई आइडिया है आपके पास? अगर है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। बहरहाल दहाड़, हुंकार, दंगल, लप्पड़, झांपड़, तमाचा जैसे नाम देखकर मेरे दिमाग में भी कुछ नाम उछल कूद कर रहे हैं। सोचा आप सब से शेयर कर दूं। और हाँ, ये सारे नाम कॉपीराइट से मुक्त हैं। हर भारतीय नागरिक इनका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है, खासकर हुड़कचुल्लू एंकर आए। पहला नाम घाट घाट पर चाट, दूसरा नाम जूते से लंबी जीभ, तीसरा नाम थकना मना है। बहरहाल नामकरण के बाद अब कातिल जी की कातिलाना अदा पर भी एक नजर फेर लेते हैं। ये पूर्व सिविल सेवा के कर्मचारी हैं, बीच में सिविल सेवा छोड़कर समाज सेवा में कूद पड़े। समाज मतलब पत्रकारिता की सेवा में।
तो बहन रूबिका जी को कातिल जी का ये उपदेश सुनिए। ये तुम्हारी रणभूमि है, ये बैटल ग्राउंड है, ये जनता को न्याय दिलाना है, देश के हित को सुनिश्चित करना है, भारत 24 को आसमान तक लेके जाना है। इनसे रणभूमि की प्रेरणा लेकर रूबिका दहाड़े मारने लगी, पर आप कातिल जी की रणभूमि का दर्शन करने लगे हाथ। इनालू वाला जो अपना तेलंगाना किया था, इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन। सच में खुद रामो हैरान थे कि आइडिया कैसे लाए वो लोग। मैंने कहा लाए तो 20 लाख कॉपी बिकती है अकेले आंध्रा में उसकी, 20 लाख। उसने पूरा छापा उसका और चार बार चलाया और इलेक्शन की रात को चला दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया उनको, परसों उनको आता रहेगा नोटिस, चलावा। पूरी ढिठाई और बेशर्मी से कातिल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी, हमने तो आदर्श आचार संहिता बनाई ही अचार डालने के लिए है और उसका अचार बनाकर मोदी जी का इंटरव्यू चार बार चलाया और इलेक्शन की रात को चला दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया उनको, परसों उनको आता रहेगा नोटिस, चलावा। अचार डालने का यही संदेश कातिल ने रूबिका को भी दिया कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ है, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट, वी डोंट फील शाय इन दिस। पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ दहाड़, फिर तो यही कहना होगा ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कातिल बाबू जिस पत्रकारिता की सीख रूबिका को दे रहे हैं उसमें पत्रकारिता का कत्ल होना तय है। सत्ता से सवाल न पूछने की सलाह या खुली स्वीकारोक्ति भारत के मीडिया की दुर्दशा का स्वीकारनामा है। हम हमेशा कहते हैं कि पत्रकारिता वह होनी चाहिए जिससे जनता का हित जुड़े। हमारे तमाम शो, वीडियो रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट या फिर पॉडकास्ट में आपको यह प्राथमिकता नजर आएगी। बिना जनहित के पत्रकारिता शून्य है। जनहित की पत्रकारिता के लिए, विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता के लिए न्यूज लॉन्ड्री को सहयोग करें। आपका सब्सक्रिप्शन लोकतंत्र और आजाद मीडिया की गारंटी बनेगा। चौधरी साहब, वही अपने तिहाड़ शिरोमणि, उन्होंने इस हफ्ते हुमा कुरैशी को घेर लिया और फिर से पिछले हफ्ते की स्क्रिप्ट पर लौट गए। सुधीर का सवाल बहुत बारीकी से सुनिएगा, इसी में सारा रस छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में अमेरिका गए और व्हाइट हाउस में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो अमेरिकी मीडिया की तरफ से उनसे एक ही सवाल पूछा गया और वो ये सवाल था कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, भारत में जो मुसलमान हैं, उनके हित और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। यह सवाल दरअसल धूर्तता है। सुधीर कह रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया की तरफ से प्रधानमंत्री से एक ही सवाल पूछा गया, यह गलत बयानी है। दरअसल अमेरिकी मीडिया और बाकी सब मीडिया पर पहले से ही यह शर्त थोप दी गई थी कि सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा सकता है, एक अमेरिकी मीडिया की ओर से और एक भारतीय मीडिया की ओर से। इसके नतीजे में 9 साल में पहला सवाल सामने आया जो हमारे प्रधानमंत्री ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार से सुना और उसका जवाब दिया। चौधरी ने इसे इस तरह से पेश किया मानो अमेरिकी मीडिया तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता था। यह गलत है, भ्रामक है। पिछले हफ्ते हमने यूसीसी को लेकर लंबी बातचीत की थी। सूत न कपास, जुलाहों में लठम लठ, लगभग यही बात देश के वरिष्ठ सम्मानित अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कही है। What do you think about the current controversy that's raging over the Uniform Civil Code? I think it's a thoughtless exercise. Why would you say that? I don't know what the proposal is. सिब्बल साहब ने अपनी बात रखते हुए एक लठबाज जुलाहे को धर लिया और उसके नट बोल्ट कस दिए। You are saying it. Navika is not the mouthpiece of the Prime Minister of India. So far, I hope. You are saying Certainly it. Not. इस अकस्मात हमले से हड़बड़ाई नाविका, ऑन एयर ये सब कहने लगी। हमारे बीच हर दिन ऐसे कई मामले आते हैं जब सफल या ताकतवर पति अपनी पत्नी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है और समाज कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आदमी है तो भाई उसको अधिकार है ऐसा करने का। मुझे नहीं पता कि बहन नाविका किसको ट्रोल कर रही हैं, पर आप लोगों को अपने दिमाग में बिना वजह किसी की तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं। मसला ये है कि क्या यूसीसी उर्फ समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है? नाविका और उनके जैसे तमाम एंकर हैं बिना किसी ड्राफ्ट या फिर बिल के इसे सिर्फ मुसलमानों की समस्या के तौर पर फैला रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ दुर्भावना, डॉग विसल और अधकचरा खबरें फैलाना अब खबरिया चैनलों का 12-मासी कार्यक्रम है। एबीपी न्यूज ने अपने इंस्टा पेज पर यह खुला फेक न्यूज दौड़ा दी। पाकिस्तानी लड़की ने अपने पिता से ही रचा ली शादी, बन गई चौथी बीवी। वजह जान हैरान रह जाएंगे आप। पाकिस्तान में एक पिता ने अपनी बेटी से ही शादी रचाई है,
दिलचस्प बात यह है कि बेटी ने खुद ही ये बात कबूल की है कि उसने अपने पिता से शादी की है। बेटी अपने पिता से शादी कर उसकी चौथी पत्नी बन गई है। अब आप लगे हाथ असली वाला वीडियो भी सुन लीजिए। और आप चौथी बीवी हैं। आपको पता है राबिया अरबी जुबान में अरबाउन से निकला है और अरबाउन का मतलब भी चार है, और आप भाई की चौथी बीवी हैं, ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ, तो मैंने कहा कि चलो नाम का मतलब ये, तो मैंने यही कहीं चौथे पे फिट होना है तो मैं चौथी शादी ही कर लेती हूँ, चौथी बीवी बन जाती हूँ। इस वीडियो में जो चीज चिंता करने वाली है वो ये कि दो महिलाएं चार शादियों को लेकर कितनी सहज हैं। वो ऐसे व्यक्ति की बातों का लुत्फ उठा रही हैं जिसके पास अपनी पिछली तीन शादियों से तलाक की कोई वाजिब वजह नजर नहीं आ रही। चिंता महिलाओं की इस मेंटल कंडीशनिंग से होनी चाहिए। चिंता इंटरव्यू करने वाली महिला के सवालों को लेकर होनी चाहिए, जो एक मर्दवादी पितृसत्तात्मक जवाब से खुश हो रही है, खिलखिला रही है। पहले तीन शादियां की हुई हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बताया, और ये बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने अप्रिशिएट ये नहीं किया कि माशाल्लाह तीन आपने जो है डाली हैं, अप्रिशिएट ये किया कि कम से कम आपने झूठ नहीं बोला मुझसे, तो इस बात पे अप्रिशिएट किया कि आपने मुझे सच्ची बात आ दी है, तो मैं चौथी के लिए तैयार हूँ, बेफिक्र रहे हैं आप। राष्ट्रीय चैनलों पर हर दिन धड़ल्ले से मनगढ़ंत अधूरी खबरें और अफवाह फैलाने के मामले अब सामान्य होते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने बिना तथ्यों की जांच किए यह खबर दौड़ा दी। वैसे तथ्यों की जांच करे भी कौन? 50 लोगों को एक साथ निकालने के बाद फैक्ट चेक करेगा कौन? अब तो बस मुसलमान नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस हफ्ते की रिपोर्ट अब देख लीजिए। जो कही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित रेड लाइट एरिया की अंधेरी गलियों में चमक बिखेर रहे एक जुगनू की है। ये जुगनू चार राज्यों के रेड लाइट एरिया के बच्चों और नौजवानों के हाथों से लिखी हुई एक पत्रिका है। इसमें सेक्स वर्कर्स जैसे हाशिए के समाज की अंदरूनी हलचलों की अनदेखी और अनोखी कहानी है। हमारे पास 10 बच्चों की टीम है और अलग अलग स्टेट में वो बच्चे ही मेन लीडर हैं, और वो जो बच्चे, ये 10 बच्चों की जो मंडली है, ये बच्चे मिलके ये पूरा डिज़ाइन करते हैं अपने अपने स्टेट से, अपने अपने लोगों का, फिर वो सिविल सोसाइटी का भी कमेंट्स हमें भेजते हैं और हम लोग फिर उसको संग्रहित करके प्रिंटिंग प्रेस में देते हैं। मैं जुगनू रिपोर्टर हूँ, और उसमें अभी मैं कुछ आर्टिकल तैयार कर रही हूँ लिखने के लिए। वो मेरे एरिया के बच्चे लोग जो हैं वो बहुत अजीब बिहेव भी करते हैं और गाली उली भी बकते हैं, वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसी पे मैं आर्टिकल तैयार कर रही हूँ। वर्तमान में जुगनू की 300 प्रतियां छप रही हैं। नसीमा का लक्ष्य RNI नंबर लेकर मैगजीन को स्वावलंबी बनाना है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।